हरियाणा में 2014 में बीजेपी आई, उसके बाद 2019 में बीजेपी आई। 2019 में करीब 157 वैसे प्रोमिसेज थे जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था। उन प्रोमिसेज में एक प्रोमिस यह भी था कि किस तरह से कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, यानी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना भी उनके घोषणा पत्र में शामिल था। लेकिन अब एक खबर लगातार हमारे सामने आ रही है, कई अखबारों में, मीडिया चैनलों में एक खबर आ रही है जिसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी को लेकर या आउटसोर्सिंग पे जो कर्मचारी रखे गए हैं उनके साथ हो रही भेदभाव या उनका शोषण, उसको लेकर यह सारी खबरें आ रही हैं, घटनाएँ सामने आ रही हैं। और इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए जब ये खबरें आई तो हमारे साथ आउटसोर्सिंग के जो यूनियन है उनके हरियाणा के मीडिया प्रभारी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं विजय कुमार जी। इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो समस्याएं आ रही हैं क्या समस्या है और इसको लेकर क्या कुछ निदान किया जा रहा है। विजय जी, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि आपकी जो आपका जो यूनियन है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, कितने हरियाणा में लोग हैं और इस डिपार्टमेंट में हेल्थ में? मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आउटसोर्सिंग यूनियन तो बहुत सालों से चल रही थी, पर हेल्थ के अंदर 2019 में हमने इसको चालू करा था आउटसोर्सिंग के लिए, क्योंकि आउटसोर्सिंग में बड़ी कंप्लेंट आने लग गई। और पूरे हरियाणा के अंदर इस समय हमारे पास 15,000 प्लस आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय कर्मचारी हैं जो कोरोना काल के अंदर फ्रंट वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, और जिनकी सेवाओं के कारण हरियाणा आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर वन है वैक्सीनेशन से लेके कोरोना बीमारी के अंदर और उसको कंट्रोल करने में भी। और देख रहे हैं पीछे बिल्कुल पीछे आपके वर्कर लगे हुए हैं और इनकी 24 आवर ड्यूटीज होती है। ऐसा नहीं होता कि इनको 8 घंटे हैं तो अगले दिन वो जरूरत पड़ी तो ये 12 घंटे भी काम करेंगे, 16 घंटे भी काम करेंगे, और इन्होंने आज तक कभी काम में कोई कमी नहीं की। पर अब क्या देखा जा रहा है कि ठेकेदार बदलने के कारण, सरकार ने ठेकेदार बदला, नया ठेकेदार लेके आई, ठेकेदार जैसे ही नया आया उसने शोषण की नीति अपनानी शुरू कर दी और पुराने लोगों को निकाल के नए लोगों को लगाने लगा। वो उसका मेन मकसद क्या था, क्योंकि जब नया आदमी लगता है तो उससे कुछ मांगा जाता है। सुनने में आया है कि एक मोटी रकम मांगी जा रही थी नौकरी लगाने के लिए, और ये गरीब आदमी होते हैं, इनकी सैलरी 8-9 हज़ार होती है। आपने देखा होगा टीवी के अंदर सफाई कर रहे होते हैं, पीपी किट पहन के सफाई कर रहे होते हैं और ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसको कोई और छेड़ना नहीं चाहता। ये लोग कहाँ से 30-30, 40-40 हज़ार रुपये दे देंगे? तो सरकार को इस बात को समझाने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, मैं विजय कुमार अपने बारे में बता देता हूँ, मैं विजय कुमार बाली हूँ और मैं स्टेट मीडिया प्रभारी हूँ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का, और हमने इसका बीड़ा उठाया क्योंकि हम लोगों को फ़ोन आने लगे कि कोई विडो है, किसी का पति नहीं है और किसी के घर में बच्चे की ये प्रॉब्लम है और 8 हज़ार सैलरी कई कई महीने नहीं मिलती। तो हमने इस मुद्दे को उठा के सरकार तक ले जाने की बात करी और उसके लिए हमने सरकार को सबसे पहले 2 महीने पहले ज्ञापन भी दिया और ज्ञापन में सारी बातें बता दी कि किस तरह से शोषण हो रहा है, किस तरह से आउटसोर्सिंग लोगों को निकाल के नए लोग लगाए जा रहे हैं और किस तरह से उनको तंग करने के लिए उनको दूर दूर ट्रांसफ़र की जा रही है जिससे कि वो नौकरी छोड़ के भाग जाएं। और इस संज्ञान को हमने डीजी साहब के सामने भी लाया, एमडी साहब के सामने भी लाया। उन्होंने आज से 1.5 महीने पहले एक लेटर निकाला और लेटर में स्पष्ट रूप से कह दिया कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा अगर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं है। और ये लोग 7-7, 8-8 साल से कम काम कर रहे हैं और आज तक शायद अगर हम देखें कि 1% भी कंप्लेंट कभी आई हो इनकी, फिर भी उस ठेकेदार ने अपने शोषण के लिए, पैसे कमाने के लिए उनको निकालना शुरू कर दिया। डीजी का लेटर आने के बाद भी उसने लेटर की परवाह नहीं करी। मुझे लगता है इसके अंदर ठेकेदार के साथ अफसरों की मिलीभगत है। इसके बाद हमने अगले पिछले महीने फिर ज्ञापन दिया और ज्ञापन सीएम साहब को भेजा हमने, और ज्ञापन में भी सारी वही बातें लिखी किस तरह से शोषण हो रहा है, और वो ज्ञापन सीएम साहब को गया और सीएम साहब के बाद हमारी वहाँ पे मीटिंग भी चली और जिसके बाद यही ना हो उन्होंने हमें बताया कि किसी को नहीं निकाला जाएगा, पर ठेकेदार चुपचाप लोगों को फिर भी निकालते रहे। और ये नहीं गुड़गांव की बात है, पूरे हरियाणा में है। जिंद में आज 25 दिन हो गए हैं करीब, वहाँ पे लोग धरने पे बैठे हैं, वहाँ पे सब लोगों को निकाल दिया। मेवात में 150 लोगों को निकाल दिया, गुड़गांव में कम से कम 30-35 लोगों को निकाल दिया। बहुत तो देते हैं, कारण क्या है? कोई कारण नहीं, उनको ये बोल दिया जाता है आपको कल से नहीं आना। क्या आउटसोर्सिंग की जो पॉलिसी है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं? आउटसोर्सिंग पॉलिसी को देखिए, आउटसोर्सिंग पॉलिसी सरकार इसलिए लेके आई थी
कि काम की क्वालिटी बढ़े और एफिशिएंस लोग मिले और भ्रष्टाचार दूर हो, क्योंकि ये मानते थे कि लोग अपने लोगों को लगा लेते थे, तो ऐसे ऐसी पॉलिसी लाए जिसमें अफसरों का कॉन्टैक्ट ना रहे। पर इन्होंने क्या करा, ठेकेदार ने आते ही अफसरों को पहले अपने हाथ में बस में करा, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी से हमें भी बड़ी उम्मीद थी, क्वालिटी तो क्या होनी है, क्वालिटी तो डाउन हो रही है, और जो लोग काम कर रहे हैं, जो कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ इसलिए निकाला जाया है क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहे उनको। तो ये ठेकेदार कितने दिन, क्या पॉलिसी में यह नहीं है कि ठेकेदार जब चाहे किसी को भी चेकआउट कर सके? ऐसा कोई पॉलिसी में नियत नहीं है। पॉलिसी में स्पष्ट रूप से डीजी का जो लेटर अभी आया है, और अभी लेटर आज से 4 तारीख को एक और लेटर आया डीजी का, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी को निकाला नहीं जा सकता, और सीमो साहब के पास पावर है, अगर ठेकेदार उनकी बात नहीं मानता तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। पर फिर भी एक्शन तो क्या हो, लोगों को निकाला जा रहा है, और कोई पॉलिसी जब तक कि कोई कंप्लेंट ना हो उनके अंदर, अगर आपको निकालना है आप कैसे 6-7 हज़ार लोगों को निकाल सकते हो? 6-7 हज़ार लोग एकदम कंप्लेंट में चले गए, और अगर है तो दिखाओ हमें, हमने तो ज्ञापन दिया है। अगर ज्ञापन का मतलब क्या है कि हम लीगली प्रोसीड कर रहे हैं, आप हमें दिखाइए, उसके बाद भी कोई इसका मकसद मुद्दा नहीं हुआ। अब आप लोगों की क्या रणनीति है, क्या कुछ प्लान कर रहे हैं? देखिए, हमारी रणनीति ये है कि हम तीन महीने से इस काम में लगे हुए हैं, और जिसके कारण बहुत से लोग हमारे दुश्मन भी हो गए, क्योंकि जिनकी कमाइयाँ रुक रही है वो हमारे दुश्मन बन रहे हैं। पर हमारा मकसद कुछ और नहीं, गरीब लोगों को, क्योंकि ये आज के कोरोना काल के अंदर नौकरी ढूंढना इतना मुश्किल है, और जो 6 साल से काम कर रहा है, जिसकी उम्र 35-40 साल हो गई है, वो कहाँ से नौकरी ढूंढ लेगा? सरकार को ये सोचना चाहिए। और दूसरा, हमारी रणनीति चल रही है कि इनको सबको इकट्ठा करा जाए। हमने पूरे हरियाणा के अंदर सबको इकट्ठा करा, आज 15,000+ के करीब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसके लिए हमने धरना भी करा। हमने सीमो ऑफिस में भी 250-300 लोगों का धरना करा, और सीमो ने हमसे विश्वास दिलाया कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। फिर हमने 3 बारी ज्ञापन दिया, ज्ञापन के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ, और आज हमने डीजी साहब का राज हमने घेराव करना था। आज हमारी पूरी टीम डीजी ऑफिस जाने वाली थी चंदीपुरचकूला, पर उन्होंने आज हमें फिर प्रपोज करा कि आप घेराव मत करो, हम आपकी बात सुनते हैं। आप चाहते क्या हैं कि आपके कर्मचारियों को हटाया? हम ये चाहते हैं इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को, जो काम अच्छा कर रहे हैं, जिनके काम में दिक्कत नहीं है, उनकी जॉब कंटिन्यू होनी चाहिए। आप चाहते हैं एक तरह आप देश में चाहते हैं क्वालिटी आए, क्वालिटी कहाँ से आएगी जब पुराने लोग ही निकाल दोगे आप? इसको क्वालिटी बोलते हैं कि 30,000 रुपये दो और जॉब लग जाओ? इनको 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिल रही अभी तक, जो लोग काम कर रहे हैं उनको 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिल रही। यहाँ तक भी देखा गया है कि इनके साथ इतना फ्रॉड हो रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर लगाया गया है और उसको सैलरी दे दी सफाई कर्मचारी की, उसको अपने पेपरों में दिखाया गया सफाई कर्मचारी, उससे कंप्यूटर का काम करवा रहे, सैलरी 12,000 दे रहे हैं जबकि बनती है 20,000 रुपये। इसके अलावा एएसआई और इतनी और प्रॉब्लम्स हैं कि ये ठेकेदार मनमानी करते हैं अपनी, और अफसरशाही कुछ नहीं उनके अगेंस्ट लेते हैं। यहाँ तक कि सरकार इनको सैनिटाइज का सामान देती है ठेकेदार। आप हैरान होंगे कि जब ये ठेकेदार से सामान मांगते हैं तो ठेकेदार भी बोलता है कि ग्लव्स भी अपने पैसों के लेके आओ। सरकार जब किसी को ठेका देती है तो उसको सैनिटाइज जो भी सामान होता है वो देती है, और यहाँ तक कि सामान तो क्या देना, उनको बोला है ग्लव्स भी अपने पैसों को लाओ नहीं तो मैं नौकरी से निकाल। बिल्कुल, आपने साफ तौर पे सुना कि किस तरह से ये जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, जिनको क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए रखा जाता है अमूमन, लेकिन उनकी दुर्दशा कैसी है अमूमन हमने देखा है और दिखाया भी है कि निज़ाम बदलते ही सत्ता बदल जाती है, अधिकारी बदल जाते हैं, हालांकि उस दौर में उनका तबादला होता है, लेकिन इस तरह शोषण नहीं होता कि आप पैसे दो, और ठेकेदार और अफसरशाही मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो भी उस मंत्री के विभाग में, जिस मंत्री को हरियाणा का शेर कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि उस मंत्री के पास शिकायत जाते ही कार्रवाई होती है, लेकिन उस मंत्री जी यानी अनिल विज जो गब्बर कहे जाते हैं, उनके मंत्रालय में भी ये जो हाल है आप साफ देख सकते हैं। ऐसे में देखना है कि मंत्री जी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, क्या वास्तव में इन कर्मचारियों की आवाज़ें उनकी कानों तक जाती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ सुशील सिंह, प्रवासी एक्सप्रेस।